तो आप देखो इंटेक्स क्वेश्चन जो लास्ट वाला है एनसीईआरटी का, ठीक है, लास्ट वाला इंटेक्स क्वेश्चन। अब देखो इसमें बोला गया है विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पे दो दो के पेयर गिवन है और आपको बताना है कि कौन SN2 के टूवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपको पता है कि SN2 वो स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू अफेक्टेड होती है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू अफेक्टेड होती है। तो जिसमें ज्यादा हिंड्रेंस होगा वो कम रिएक्टिव होगा, जिसमें कम हिंड्रेंस होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें जो पहला एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है और दूसरा एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी वाले में ज्यादा हिंड्रेंस होगा तो वो कम रिएक्टिव होगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी 2 ब्रोमो ब्यूटेन के रेस्पेक्ट में। 1 ब्रोमो ब्यूटेन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। इसी तरीके से देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोल रहा है कि ये दो पेयर्स गिवन है, पहला वाला सेकेंडरी एल्काइल ब्रोमाइड है और दूसरा वाला टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड है, तो अगेन सेकेंडरी में कम हिंड्रेंस होगा तो सेकेंडरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्शरी के कंपेयर में। और थर्ड को आप देखो, थर्ड में क्या है, मैं स्ट्रक्चर यहां पे बना करके एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 3 4 ये है पहला वाला स्ट्रक्चर और दूसरे वाले स्ट्रक्चर को अगर कंसीडर करें तो ये है दूसरा वाला स्ट्रक्चर। अब देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये भी है और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये भी है, दोनों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो लीविंग ग्रुप है ना, लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में थर्ड कार्बन पे मिथाइल का हिंड्रेंस है और यहाँ पे लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में सेकेंड कार्बन पे मिथाइल का हिंड्रेंस है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये वाला कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, यहाँ पे गामा कार्बन पे हिंड्रेंस है और इसमें अगर आप देखोगे तो बीटा कार्बन पे हिंड्रेंस है, ठीक है, इसमें गामा कार्बन पे हिंड्रेंस है और इसमें बीटा कार्बन पे हिंड्रेंस है। तो आप देख रहे हो बीटा कार्बन पे जो हिंड्रेंस है, बीटा कार्बन पे जो हिंड्रेंस होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू गामा कार्बन, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे कम हिंड्रेंस है और यहां पे ज्यादा हिंड्रेंस है, ये बात क्लियर हुई बेटा? यहां पे कम हिंड्रेंस है और यहां पे ज्यादा हिंड्रेंस है, तो इस वजह से जो है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन रेट एक तरीके से आपको डिसाइड करना है, SN1 रिएक्शन रेट। एक अब देखो SN1 में आपको पता है कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन, तो नेचुरल सी बात है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है। तो अब जैसे फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो एक तो टर्शरी एल्काइल क्लोराइड है और एक है सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, ये टर्शरी है और ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इसके कंपेयर में। ये समझ में आया सबको? तो अब इसमें देखो ये सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड है
और ये प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो यहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10.9। 10.9 में बोल रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर प्राइम इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये एल्काइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया ईथर की प्रेजेंस में, तो पहले तो बन जाएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये हो गया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो बना है ये इसको ए बोल रहे हैं, और फिर इसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट करेगा तो एज अ बेस रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये कार्बन आयन बना, और ये कार्बन आयन क्या करेगा वाटर से एच पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है, तो एच पॉजिटिव ले लेगा तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो ये हो गया बी। अब देखो इसी तरीके से ये एल्काइल ब्रोमाइड है मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं, तो सी बन रहा है, सी यानी कि आर एम जी बी आर बन गया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और फिर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को हैवी वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं डी टू ओ के साथ। डी टू ओ के साथ ट्रीट करोगे तो आर डी बन जाएगा। अब आर डी से आपको पता चल जाएगा कि आर क्या है, तो यहां पे अगर आप देखो ये है कंपाउंड, इसका वाला आर ये वाला पार्ट है आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। इट मींस अगर सी की बात करें, सी पूछा गया है आपसे, तो सी हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सेकेंडरी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये सी है। ये क्लियर हो गया, सेकेंडरी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये सी है, ये क्लियर हो गया। यस सर। अब आप देखो ये कंपाउंड है कब बन रहा है, जब आर प्राइम एक्स को, आर प्राइम एक्स को सोडियम और ईथर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि वुड्स रिएक्शन होगी यहां पे। अब वुड्स रिएक्शन होगी तो यहां पे बनना चाहिए आर प्राइम आर प्राइम, आर प्राइम आर प्राइम बनना चाहिए, दो मॉलिक्यूल लेते हैं ना वुड्स रिएक्शन में, तो आर प्राइम बनना चाहिए। तो इसका मतलब अब देखो इसको ब्रेक कर दो सिमेट्रिकल पोजिशन से, तो ये आर प्राइम हो गया, ये भी आर प्राइम हो गया, तो इसका मतलब है कि ये अल्काइल हैलाइड, अगर आप देखोगे तो ये अल्काइल हैलाइड ही है, टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड ये। अब इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मतलब यहां पे बना होगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो आर प्राइम एम जी एक्स, इसका मतलब है कि फिर ये कंपाउंड रहा होगा टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड, और फिर इसको ये डी हो गया, और फिर उसके बाद इसको H2O के साथ ट्रीट कर रहे हैं, H2O के साथ ट्रीट कर रहे हो तो ये MgX हट करके यहीं पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये ई रहा होगा, ये ई है। तो इस तरीके से ए बी सी डी सबको आइडेंटिफाई कर लिया। ये क्लियर हो गया बेटा सबको। अब जैसे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10.3, ठीक है, 10.3 का फोर्थ पार्ट,
10.3 का फोर्थ पार्ट, तो यहां पे बोल रहा है कि 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो 1 आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेन है तो पहले प्रिंसिपल चेन कंप्लीट करो, ये एक्सेन हो गया, ये ऑक्टेन हो गया, ऑक्टेन 1 आयोडो, तो यहां पे आयोडीन लगा दो, 1 आयोडो, 1 आयोडो और 2 क्लोरोफिनाइल, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया। सेकंड कार्बन पे क्या है, क्लोरोफिनाइल, तो पहले ये फिनाइल हो गया, ये 2 फिनाइल हो गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये 1 प्राइम हो गया और ये 2 प्राइम हो गया, तो यहां पे क्लोरीन आना चाहिए, ये 2 प्राइम, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, 1 आयोडो नहीं 2 प्राइम क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, ये होना चाहिए स्ट्रक्चर। हुआ क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10.1 का नाइन्थ पार्ट, 10.1 का नाइन्थ पार्ट। अब इसमें क्या पूछा गया, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम, एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, बेंजाइल अगर है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल और एराइल हैलाइड। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, फिर सी बी आर CH3 ट्वाइस, ये ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन के टर्म्स में बना दिया। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो हैं, इनको तो विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, ये विनाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एलाइलिक होता है, तो ये एलाइलिक हो जाएगा, मतलब ये एलाइलिक कार्बन। अब एलाइल में भी अगर आप देखोगे तो ये कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच है, तो टर्सरी, ये टर्सरी एलाइल, 3 डिग्री एलाइल, ये 3 डिग्री एलाइल। तो आपसे बोला गया नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम, एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल और एराइल हैलाइड। तो ये एक क्या है, एलाइल हैलाइड है, इसको हम बोलेंगे एलाइल हैलाइड, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है, एलाइल ब्रोमाइड। अब एलाइल भी कैसा है, 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री एलाइल ब्रोमाइड। अगर आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, आप यहां पे देखो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब अगर यहां पे देखा जाए तो कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं इस पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इस स्ट्रक्चर में नहीं है, तो नंबरिंग के लिए यहां पे मल्टीपल बॉन्ड को प्रिफर किया जाएगा। तो मल्टीपल बॉन्ड को अगर हम प्रिफर करेंगे तो आप देखो इस तरीके से नंबरिंग होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। और फिर इसका नॉमनक्लेचर अगर आप लिखोगे तो नॉमनक्लेचर क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल और फिर टोटल 5 कार्बन है, तो पेंट और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो पेंट 2-ईन, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2-ईन। जरा पीछे चेक करो इसका नॉमेनक्लेचर क्या गिवन है, नॉमेनक्लेचर चेक करो इसका,
नॉट गिवेन। अच्छा चलो नहीं गिवेन है, कोई बात नहीं, तो ये होना चाहिए इसका नॉमेनक्लेचर। समझ में आ गया ना सबको, रूल्स रिकॉल हो गए। अब जैसे देखो यहां पे बोला गया गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे फर्स्ट कंपाउंड का ही ये क्वेश्चन नंबर 10.2 का फर्स्ट पार्ट, 10.2 का फर्स्ट पार्ट। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर ये है CH3CHCl, यहाँ पे क्लोरीन है, CHCl CHBr, यहाँ पे ब्रोमीन है, CHBr और CH3, ये है कंपाउंड CH3CHCl CHBr CH3। अब इसका IUPAC नेम चाहिए, तो आप बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड से? नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट करेंगे, क्योंकि ये ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए इसकी नंबरिंग पहले होनी चाहिए, ये होगा। तब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये क्लियर है बेटा? ठीक है। अब जैसे आप यहां पे देखो ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर, थर्ड वाला छोड़ो, पहले सेकंड वाला देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूं, कुछ रूल्स वूल्स रिकॉल कर लोगे। तो सेकंड वाला देखो, CHF2CBrClF स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CHF2CHF2 ठीक है, CBrClF ये है। अब बताओ नंबरिंग किधर से होगी, किधर से होगी नंबरिंग, लेफ्ट साइड और राइट साइड? राइट। अब जरा मुझे वजह बताना भाई, कौन सा रूल बोल रहा है कि राइट साइड से नंबरिंग होनी चाहिए? राइट साइड से नंबरिंग होनी चाहिए, ये कौन रूल बोल रहा है? अरे लोवेस्ट सम रूल बोल रहा है भाई, लोवेस्ट सम रूल। आप देख लो, अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हो, यहां पे देखो पहले ही कार्बन पे 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो 1+1+1, और दूसरे कार्बन पे 2 है, +2+2। और अगर आप ये लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हो, लेफ्ट टू राइट, तब क्या है, 1+1+2+2+2। तो यहाँ पे देखो टोटल सम 8 बन रहा है और यहाँ पे टोटल सम 7 बन रहा है, इसलिए नंबरिंग जो है राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए। आया यार ये बात समझ में आई?
तो ये नंबरिंग हो गई इसकी। अब इसको नॉमनक्लेचर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राईफ्लोरो, 1 2 2 ट्राईफ्लोरो इथेन, ठीक है ना। जरा एक केस और यहां पे देखते हैं, ये वाला फिफ्थ वाला, CH3Cl पैरा पोजिशन पे क्लोरीन C6H4 ट्वाइस CHBrCH3। इसका मतलब है कि इसमें ठीक CH3 बना लो पहले, फिर C। अब इस कार्बन से आप देखो ऐसे दो ग्रुप लगे हैं, वहां देखो ट्वाइस गिवन, मतलब दो पैरा क्लोरोफिनाइल ग्रुप अटैच हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्बन ये है CH, इस पे है ब्रोमीन और CH3। समझ में आया स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर समझ में आया 10.2 का फिफ्थ? ठीक है, अब हमें इसका नॉमनक्लेचर लिखना है। नॉमनक्लेचर लिखना है तो नंबरिंग करनी होगी। अब बताओ बेटा नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट, विच रूल इज डिसाइडिंग, विच रूल इज डिसाइडिंग नंबरिंग के लिए, कौन सा रूल यहां पे डिसाइडिंग होगा? हाँ, लोएस्ट सम रूल, सही है, लोएस्ट सम रूल। आप अगर ये लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हो ना, तो देखो सेकेंड पोजीशन पे ये दो ग्रुप है, तो 2 प्लस 2, और थर्ड पे एक है +3। और अगर राइट टू लेफ्ट करते हो तो सेकेंड पे एक और थर्ड पे दो, यहां पे 8 बन रहा है और यहां पे 7 बन रहा है, इसलिए इधर से नंबरिंग होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो इसकी नंबरिंग करके यहाँ पे आप लाइक कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए 20 लगाते हुए नेम लिख सकते हो। तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, ठीक है। तो अब देखो इसका नेम है क्लोरोफिनाइल और इसका नेम है ब्रोमो, IUPAC नेम लिखोगे क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 2 बिस 2 2 बिस 4 प्राइम क्लोरो फिनाइल, 4 प्राइम क्लोरो फिनाइल। और फिर क्या हो जाएगा, यहां पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूटीन। आ गया समझ में बेटा? तो ये समझ लेना, ये नॉमन क्लेचर वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत
डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होगा, बट आपको बेसिक रूल्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, ये 10.3 में फिफ्थ, 10.3 का फिफ्थ, अब इसमें बोल रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। अब बोला जा रहा है पर फ्लोरोबेंजीन, अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पर फ्लोरोबेंजीन का मतलब ये हो गया कि सारे कार्बन जो बेंजीन के है ना उन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हटा के वहां फ्लोरीन लगा दो, ये हो गया पर फ्लोरोबेंजीन। अगर इन सारे कार्बन पे 10.3 का फिफ्थ, 10.3 का फिफ्थ, 10.3 का फिफ्थ ये पर फ्लोरोबेंजीन है, अगर इन पे ड्यूटेरियम लगा दोगे तो पर ड्यूटेरियोबेंजीन हो जाए, अगर इन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे पर नाइट्रोबेंजीन हो जाए, अगर सब पे क्लोरीन लगा दो पर क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, इस तरीके से। हुआ क्लियर? ये पर प्रीफिक्स कब यूज करते हैं ये क्लियर हुआ? अब जैसे ये है, इसका नेम क्या होगा बोलो? अरे हमने सारे हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरियम लगा दिया तो पर ड्यूटेरियो इथेन बोलेंगे, पर ड्यूटेरियो इथेन। आ गया समझ में? थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना अपनी तरफ से नॉमेनक्लेचर की। और अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 10.7 देखो, नहीं 10.5 पहले, क्वेश्चन नंबर 10.5 बोले हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। C5H10 इसको क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट करा रहे, नो रिएक्शन। क्या मतलब है इससे, इसका क्या मतलब है कि क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब देर इज नो मल्टीपल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। इसका डीबी आप देखोगे ना तो डीबी इसका 1 है, बट इट पजेस नो मल्टीपल बॉन्ड, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड होगा तब क्लोरीन ऐड होगा डार्क में तो रिएक्शन होगी, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो क्लोरीन ऐड नहीं होगा डार्क में, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl। तो अगर हम C5H10 का मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो एक मोनोक्लोरो कंपाउंड बनता है, इसका मतलब इसके अंदर प्रेजेंट सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अब सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो
ये होना चाहिए, ये कंपाउंड होना चाहिए साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन के सारे कार्बन एक जैसे, सब सेकेंडरी, सारे हाइड्रोजन एक जैसे। इसका मोनोक्लोरीनेशन कराओगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये समझ में आया बेटा? अब यही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है, तो आपको ऐसे ही एनालिसिस करके आंसर तक पहुंचना है। तो हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, तो हाइड्रोकार्बन मस्ट बी क्या? साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन वो हाइड्रोकार्बन। अब जैसे देखो बोल रहे हैं कि राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br 10.6। तो इसको तो आप वैसे बना बना के देख लोगे, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और अब इसमें देखोगे तो ये कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर है तो वैसे इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। फिर उसके बाद आप देखो चार कार्बन के करस्पॉन्डिंग ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी ब्रोमीन आ सकता है, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। और ब्रोमीन यहाँ भी आ सकता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो चार स्ट्रक्चरल आइसोमर और टोटल पांच आइसोमर पॉसिबल है, ये फाइव आइसोमर्स पॉसिबल है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 10.7, 10.6 था, 10.7, 10.7 बोल क्या बोल रहा है? राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आइडो ब्यूटेन फ्रॉम वन ब्यूटेनॉल। वन ब्यूटेनॉल से वन आइडो ब्यूटेन बनाना, ये बनाना है। तो क्या यूज करोगे भाई? आप एच आई यूज कर सकते हो यहाँ पे, और Pi3 यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो एच आई और Pi3। इसे अगर राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आयोडो ब्यूटेन फ्रॉम वन क्लोरो ब्यूटेन, वन क्लोरो ब्यूटेन से वन आयोडो ब्यूटेन बनाना है, कौन सी रिएक्शन यूज करोगे? बोलो फटाफट बोलो, विच रिएक्शन? सिंकल फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्ट्रीम रिएक्शन यूज करेंगे, NaI एंड एसीटोन। NaI एंड एसीटोन, ठीक है। इसी तरीके से ब्यूट वन इन से, ब्यूट वन इन है और इससे बनाना है वन आयोडो ब्यूटेन। ब्यूट वन इन से वन आयोडो ब्यूटेन बनाना है, कैसे बनाओगे भाई? HBr परऑक्साइड से तो वन ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। हाँ एकदम सही है, दो स्टेप यूज करने पड़ेंगे। पहले आप यहां पे इसको HBr और परऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, HBr और परऑक्साइड, तो उससे बन जाएगा वन ब्रोमो ब्यूटेन, और फिर उसके बाद फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज कर लोगे NaI और एसीटोन। अब यहां से बनेगा वन आयोडो ब्यूटेन, ये है तरीका। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पता है आपको? अब जैसे ये है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल आयन, कौन ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड? मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि उसमें आयोडाइड आयन बेटर न्यूक्लियोफ्यूज है। और फिर दूसरे वाले में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड SN2 के टूवर्ड्स? मिथाइल क्लोराइड सही है, हिंड्रेंस कम होना चाहिए।
अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्मड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर वन. तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन वन ब्रोमो वन मिथाइल, ये है वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अब इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम इथॉक्साइड के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में. तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, हीट भी करेंगे, हीटिंग करेंगे तो E2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगी. बेस यहां पे बल्कि है नहीं, सेटजेफ्स रूल फॉलो होना चाहिए. तो सेटजेफ्स रूल के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट बन जाएगा और वो प्रोडक्ट ये होगा, और एक प्रोडक्ट हॉफमैन्स रूल के अकॉर्डिंग बनेगा वो ये होगा. ये सेटजेफ्स प्रोडक्ट है, पुअर बिकम्स पुअर, पुअर बिकम्स पुअर और रिच बिकम्स रिचर, मार्कोनी कॉफ रूल. ये हो गया, ये वाला मेजर हो जाएगा. ठीक है बेटा, अब देखो मैं तीसरा वाला सॉल्व कर रहा हूं, 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटीन. स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पेंटीन 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राइमिथाइल, ये कंपाउंड है. इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, यही सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल, C2H5ONa और C2H5OH के साथ ट्रीट कर रहे हैं. तो E2 मैकेनिज्म के थ्रू डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा. अब आप देख सकते हो इसमें बीटा कार्बन कौन कौन सा है. बीटा कार्बन अगर आप देखो ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है. इस बीटा कार्बन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है. तो अगर सेटजेफ्स रूल के अकॉर्डिंग देखे तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव होना चाहिए जहां मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो अब आप देखोगे इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा और एक प्रोडक्ट यहां पे ये वाला भी बनेगा. ये सेटजेफ्स प्रोडक्ट है और ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट. ठीक है, ऑब्वियसली सेटजेफ्स प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर है. ये समझ में आ रहा है बेटा सबको. सबको समझ नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं समझते तुम लोग इस स्टेज पे आकर के, यह हाल है. अब जैसे ये है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस. तो फॉर एग्जांपल
थर्ड वाला पार्ट जो है इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10.11 का थर्ड। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। तो अब आप देखो इसको ऐसे बना सकते हो बेटा, सबसे पहले HBr और परऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट कर दो, HBr और परऑक्साइड के साथ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ब्रोमीन ऐड हो करके ये प्रोडक्ट बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, और फिर उसके बाद इसको एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करो, AgONO और इसके साथ एल्कोहल, मान लो इथेनॉल। तो एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड के साथ ट्रीट करोगे तो नाइट्रो प्रोपेन बन जाएगा। तो ये है इसको फॉर्म करने का तरीका, आया समझ में? इसी तरीके से अगर इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना, सिक्स्थ, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ? कैसे प्रोसीड करोगे सर? पहले SOCl2 से रिएक्ट करा दो तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, फिर स्वार्ट्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले डार्जेंस मेथड और फिर स्वार्ट्स रिएक्शन, इस तरीके से बन जाएगा। ब्रोमो मेथेन से प्रोपेनोन, सेवेंथ, ब्रोमो मेथेन से बनाना है प्रोपेनोन। ये पहले तो आपको कार्बन बढ़ाना है, ठीक है? सबसे पहले क्या बढ़ाना है, कार्बन। तो इसमें देखो एक कार्बन है और यहां पे कितने हैं, तीन, यहां पे एक कार्बन और यहां पे तीन। तो अब कार्बन कैसे बढ़ा सकते हो भाई? तो कार्बन बढ़ाने के लिए मैं आपको याद दिला दूं, सबसे पहले नहीं, वुड रिएक्शन इफेक्टिव नहीं होगी। सबसे सही जो रिएजेंट होगा वो होगा CH(CNNA+), सोडियम इथाइनाइड। ये जो है ना, इस पे अटैक करके प्रोपाइन बना देगा, प्रोपाइन बन जाएगा यहाँ पे CH3C(CH), प्रोपाइन का फॉर्मेशन होगा। ये समझ में आया? SN2 मैकेनिज्म, ये क्लियर हुआ? प्रोपाइन, अब प्रोपाइन बन गया ना, तो प्रोपाइन का फिर कराते हैं आगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराते हैं, Hg2+, H+, H2O के साथ, Hg2+, H+ एंड H2O के साथ, और फिर उसके बाद इसको NaBH4 के साथ, ठीक है, NaBH4 के साथ ट्रीट करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराते हैं, हाँ सही है, NaBH4 ही यूज करते ना, पता नहीं दिमाग से स्किप कर रहा है, क्या यूज करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में? सोडियम बोरोहाइड्राइड ही यूज करते हैं।
अब इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पहले वाटर ऐड होगा ये ट्रिपल बॉन्ड पे। तो ड्रॉप वाटर जब ऐड होगा ये बन जाएगा इनॉल, ठीक है, और ये इनॉल जो बना है ना ये टॉटमराइज हो जाएगा इमीडिएटली, ये टॉटमराइज हो जाएगा, टॉटमराइज हो करके ये बन जाएगा। ये है तरीका इसको फॉर्म करने, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड से अगर आपको प्रोपेनोन बनाना है तो पहले उसको सोडियम इथाइनाइड के साथ ट्रीट करो, फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओ, बन जाएगा। दो स्टेप्स है। अब जरा एक ये लास्ट वाला 10th भी देख लो, बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, कैसे बनाओगे बोलो। फिटिज, सीधे फिटिज नहीं होगी, पहले आप इसको ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, ठीक है, या क्लोरीन के साथ हैलोजन कैरियर Fe की प्रेजेंस पर ट्रीट करोगे तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ब्रोमो बेंजीन बन गया, और फिर उसके बाद ब्रोमो बेंजीन को सोडियम और ईथर के साथ हीट करेंगे, अब बाइफेनाइल बन जाएगा। ये फिटिज रिएक्शन है, लेकिन पहले ये कराना पड़ेगा। वो क्लियर, अच्छा इसका जो 9th पार्ट है, 9th पार्ट कैसे कैसे परफॉर्म करोगे इसको। वुड रिएक्शन एकदम सही है, वुड रिएक्शन कराओगे। देखो 1-क्लोरोब्यूटेन है, इससे बनाना है ऑक्टेन। अब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उसमें इसके डबल कार्बन है, जितने कार्बन इसके हैं उसके डबल कार्बन यहाँ है, तो ऐसे जब डबल कार्बन को डबल करना हो तो दिमाग में पहले सबसे पहले आपको वुड रिएक्शन के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर एल्काइल हैलाइड है और कार्बन का नंबर प्रोडक्ट में डबल करना है तो वुड रिएक्शन के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो यहां पे सोडियम और ईथर के साथ हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जैसे ये 10.12 का फर्स्ट पार्ट देखो, 10.12 का फर्स्ट पार्ट बोल रहे द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन ये क्लोरोबेंजीन हो गया और ये हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बोला जा रहा है कि इसका डायपोलमेंट अगर μ1 है और इसका डायपोलमेंट μ2 है तो μ1 μ2 से कम क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है। μ1 μ2 से कम क्यों है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ। μ1 μ2 से कम क्यों है, एक्सप्लेनेशन। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इंटू एल, ठीक है एल। अब यहां पे आप देखोगे इसमें कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। तो अगर रेजोनेंस होगा तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाओगे
ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। जिसमें मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है, तो मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है तो एल यहाँ पे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे मान लो ये एल वन है और ये एल टू है, तो आप देखोगे एल वन जो है, एल वन इज लेस देन एल टू। अगर एल कम है इसका तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, यानी कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। आया समझ में? यस। अब जरा ये थर्ड क्वेश्चन देखो इसी का, 10.12 का थर्ड। ग्रिग्नॉट रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, क्यों बताओ? क्यों एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं बताओ? अरे भाई ग्रिग्नॉट रिएजेंट एक्सट्रीमली पावरफुल बेस होता है, तो अगर एनहाइड्रस कंडीशन नहीं होगी, अगर वहां पे मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एनहाइड्रस कंडीशन में उसको इनर्ट एनवायरमेंट मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा कि वो जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर से रिएक्ट करके बेंजीन में कन्वर्ट, मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से उसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। 10.14 पहला प्रोडक्ट क्लियर है सबको? फर्स्ट प्रोडक्ट क्लियर है? यस सर। कौन सी रिएक्शन? फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्लोरीन हटके आयोडीन आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा? इथेनॉलिक क्यूएच के साथ हीट कर रहे हैं, मतलब एल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट कर रहे हैं, वेरी गुड, E2 होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अगर यहां पे होगा, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट किया, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है ना बेटा? अरे क्लियर हुआ? थर्ड में क्या होगा? थर्ड में क्या होगा? वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो यहाँ पे एक्वस एनओएच को यूज कर रहे हैं, अगर एल्कोहलिक एनओएच या क्यूएच यूज करते हैं ना, तो एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वी हीट कर दिया साथ में, तो पक्का है एलिमिनेशन ही होगा। अगर एल्कोहलिक एनओएच या क्यूएच के साथ हीट कर रहे हैं तो सर्टेन है एलिमिनेशन होगा, और अगर एक्वस एनओएच या क्यूएच को यूज कर रहे हैं, अगर स्लाइट हीटिंग करते या हीटिंग नहीं करते, तो सर्टेन है वहां सब्स्टिट्यूशन हो। एक्वस एनएच और केएच को अगर यूज किया तो सर्टेनिटी के साथ सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्कोहलिक एनएच केएच के साथ हीट अगर कर दिया तो सर्टेनिटी के साथ एलिमिनेशन होगा, इसको याद रखना। तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो? CH2CH3 और यहाँ पे है ब्रोमीन, बस सीधे ये ब्रोमीन हटा करके और वहीं पे OH आ जाएगा, खत्म। कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है नहीं इसमें, कार्बोकेटायन जो बन रहा है और ऑलरेडी स्टेबल है। अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा बेटा? इथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ ट्रीट करें, एक बस इथेनॉलिक KCN के साथ ट्रीट करें, क्या होगा? एक बस इथेनॉलिक KCN के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन होगा, SN1 नहीं होता है, SN2 होता है, क्योंकि KCN जो है ना वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है बेटा,
केसीएन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए SN1 नहीं होगा, SN2 होगा। तो यहां पे इथाइल साइनाइड बन जाएगा, इथाइल साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? सोडियम फिनोक्साइड और इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करें, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस होगी तो विलियमसन सिंथेसिस होगी तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5O C2H5, C6H5O C2H5, ये बन जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? डार्जेंस मेथड, वेरी गुड। डार्जेंस मेथड है, SOCl2 यूज कर रहे हैं। अगली रिएक्शन HBr परऑक्साइड, तो परऑक्साइड इफेक्ट होगा इसमें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें सेवेंथ में? हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, 1-ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा, 1-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, 1-ब्रोमोब्यूटेन। और नेक्स्ट वाले में क्या होगा? नेक्स्ट वाले में बना करके देखो, CH3CH डबल बॉन्ड C, CH3 ट्वाइस, इसको ट्रीट किया HBr के साथ, HBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो पहले H पॉजिटिव ऐड होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड होगा तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। सीधे खैर आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो क्योंकि परऑक्साइड तो है नहीं, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा ब्रोमीन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जैसे देखो अगले वाले में, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड KCl एक्वस इथेनॉल, नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड, अभी बताया भी है इसका फोर्थ पार्ट, तो हमेशा यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने आप से कर लेना, 16 आप अपने आप से कर लेना, जो बोल रहा हूं उसको ट्राई कर लेना खुद से, 16 अपने आप से ट्राई कर लेना। और वैसे तो 10.19 भी करना चाहिए, 10.19 में जैसे प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है, फटाफट बताते जाओ। प्रोपीन है, प्रोपेन वन ऑल बनाना है, कैसे बनाओगे बेटा? हाँ सही है, एकदम सही है। आप यहां पे पहले HBr परऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दो तो 1-ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, और फिर एक प्लस KOH के साथ ट्रीट कर दो। वैसे एक चीज बताऊं, यहां पे एक और रिएक्शन है जो डायरेक्टली इसका फॉर्मेशन करेगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आप वो भी करा सकते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा सकते हो, सीधे एक स्टेप में बन जाएंगे। अब उसके लिए क्या करोगे? आप पहले ट्रीट करोगे B2S6 और THF के साथ, और फिर उसके बाद एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो ये सीधे बन जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इथेनॉल से B2O9 बनाना है, इथेनॉल से B2O9, कैसे बनाओगे बोलो? सिर्फ डार्जेंस मेथड नहीं, आगे भी पहले SOCl2 के साथ ट्रीट कर दो, इथाइल क्लोराइड बन गया,
और अब इसके बाद ये रिएजेंट यूज कर लो, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव यानी पॉजिटिव, वन ब्रोमो प्रोपेन से टू ब्रोमो प्रोपेन, ये इंटरेस्टिंग है भाई, वन ब्रोमो प्रोपेन से टू ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। तो क्या कर सकते हो, पहले आप इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा दो, प्रोपीन बन गया, और फिर उसके बाद HBr के साथ ट्रीट कर तो बन गया मर्करी कॉफी। टॉलिन से बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, टॉलिन से बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। अब ये ध्यान देना आपको कि आप कोई भी ऐसा रिएजेंट यूज नहीं कर सकते जो एनसीईआरटी में लगी बनो। तो वैसे तो हम यहाँ पे सेलेनियम डाइऑक्साइड को यूज करके सीधे बना सकते हैं, या NBS को यूज करके फिर एक्वस एल्केली के साथ ट्रीट करके बना सकते हैं, बट ये गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। पहले इसको ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट कर दे, ब्रोमीन सुटेबल है, इसके साथ ट्रीट कर दिया तो बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया, और फिर उसके बाद एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट कर दिया, इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। बेंजीन से फोर ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है, ये बनाना है बेंजीन से, ये बनाना है। क्या करोगे, पहले NO2 लाओगे बेंजीन के ऊपर या पहले ब्रोमीन? ये बहुत बहुत अच्छी प्रॉब्लम, ब्रोमीन लाएंगे सर। क्यों NO2 क्यों नहीं लो सर? वो मेटा डायरेक्टिंग है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, आप ब्रोमीन लाओगे, ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, लेकिन NO2 लाओगे तो वो मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, तो इस वजह से पहले ब्रोमीन आना चाहिए। तो पहले ब्रोमीन और आयरन के साथ ट्रीट किया, तो ब्रोमीन और आयरन के साथ ट्रीट करोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और अब इसके बाद इसका नाइट्रेशन करा दो, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब यहां से बन जाएगा, तो पहले ब्रोमिनेशन फिर नाइट्रेशन, न कि पहले नाइट्रेशन फिर ब्रोमिनेशन। अगर पहले नाइट्रेशन फिर ब्रोमिनेशन कराओगे तो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बेंजाइल एल्कोहल से टू फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाने, देख लेते भाई। बेंजाइल एल्कोहल, ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल, इससे बनाना है टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मतलब दो कार्बन है, और फर्स्ट सेकंड टू फिनाइल, ये बनाना है बेंजाइल एल्कोहल से। कैसे बना सकते हो बताओ, सर? पहले डार्जन मेथड से Cl2OH की जगह Cl आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद KCN से रिएक्ट करा देंगे, और उसके बाद एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। पहले बेंजाइल क्लोराइड बन गया, फिर इसको एल्कोहलिक KCN के साथ ट्रीट कर दो,
ठीक है, तो बेंजाइल साइनाइड बन जाएगा, ये बन गया। और फिर उसके बाद इसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर दो, CN की जगह पर CWH ग्रुप आ जाएगा। हुआ क्लियर? ये समझ में आया बेटा सबको? यस सर। ऐसे ही आप तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये हो गया इथेनॉल और इसे क्या बनाना है? प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब OH हटा करके CN लगाना है। क्या करोगे बोलो? SOCl2 और फिर AgCN। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले डार्जेंस मेथड नहीं, AgCN कैसे? अरे मूर्ख, AgCN करेंगे तो आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। KCN यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे यहां पे? SOCl2 के साथ ट्रीट किया डार्जेंस मेथड, तो यहां पे इथाइल क्लोराइड बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको एल्कोहलिक KCN के साथ ट्रीट कर देंगे, बन जाएगा। अगर AgCN यूज करेंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आया समझ में? यस सर। ये लास्ट वाला बता रहा, जरा एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे? एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं आपके लिए। अरे बहुत बढ़िया श्रेया, आस्था ने तो कमाल किया हुआ। फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका मतलब क्या कराओगे यहां पे? कार्बिल अमाइन टेस्ट। कार्बिल अमाइन टेस्ट क्या करते हैं भाई? कार्बिल अमाइन टेस्ट में बोलो, कार्बिल अमाइन टेस्ट में क्या करते हैं? अरे पहले क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करते हैं। हाँ ठीक है, आंसर भी हाँ ठीक 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 क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट किया। इनफैक्ट बस क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ हीट कर देते हैं तो आइसोसाइनाइड मिल जाता है। प्राइमरी अमाइन का एनालिटिकल टेस्ट होता है, बाकी आप कर लेना, अपने आप से ट्राई कर लेना। ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से एडो फॉर्म बनाना है, कैसे बनाओगे भाई? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से एडो फॉर्म बनाना है। ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, इससे एडो फॉर्म बनाना है। क्या करोगे बोलो? म्यूट हो गए। अरे इसके अंदर ये स्ट्रक्चरल फीचर नहीं दिख रहा है, CH3CHOH। देखो यहां CH3CHOH, तो जब CH3CHOH ये स्ट्रक्चरल फीचर प्रेजेंट हो तो इसका मतलब आयडो फॉर्म टेस्ट में कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा, तो आप इसको I2 और NaOH के साथ ट्रीट करोगे और NaOI यूज कर सकते, ये बन जाएगा। और इसके साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा, मतलब एक जो मिथाइल है वो CH3 बन जाएगा और दूसरा वो उसका सॉल्ट बना लेगा CH3CONa। आ गया समझ में?
बेटा एनसीईआरटी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10.21, बस ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा एल्काइल हैलाइड का, फिर एल्कोहल का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10.21, बोला है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br। अब प्राइमरी है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये हो सकता है, ये भी प्राइमरी है, और एक ये भी हो सकता है प्राइमरी, दिस और दिस। ये क्लियर हुआ बेटा? तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, इसको ए बोल रहे हैं, तो मतलब ए जो है वो ये हो सकता है या ये हो सकता है, रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड्स, कंपाउंड बी। अब अगर इसको एल्कोहलिक KOH के साथ आप ट्रीट करो, ये बनेगा, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करो, ये बनेगा। रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी जो है वो ये या ये हो सकता है। बी इज रिएक्टेड विद HBr, कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव सी विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। तो अब इसको HBr के साथ अगर आप ट्रीट करो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ये बनेगा। ये देखो ये ए का आइसोमर है, और अगर आप इसको भी HBr के साथ ट्रीट करते हो तो HBr के साथ ट्रीट करने पे ये बनेगा, ये भी जो है ए का आइसोमर है, तो ये C हो गया, C ये या ये होगा। फिर बोल रहा है कि when A is reacted with sodium metal, it give compound D, C8H18। अगर A को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो C8H18, नेचुरल सी बात है कार्बन का नंबर डबल हो जाएगा, यहां पे चार कार्बन है तो प्रोडक्ट में आठ कार्बन होंगे। बोले विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। ये क्लियर हो गया, देखो ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड था तो इसका मतलब ये नहीं है, ये स्टेटमेंट से ही कंफर्म हो गया कि ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। ये समझ में आया बेटा? अरे ये बात क्लियर हुई, क्योंकि इन्होंने बोला है कि व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड डी C8H18, तो ऑब्वियसली इसका इसको भी वुड डायरेक्शन कराओगे C8H18 बनेगा, इसको भी वुड डायरेक्शन पार्टिसिपेट कराओगे C8H18 बनेगा। लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, इस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इसके प्रोडक्ट से, वुड रिएक्शन वाले प्रोडक्ट से डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, तो ये होना चाहिए। तो अब आप देखो जो प्रोडक्ट डी है, प्रोडक्ट डी क्या होना चाहिए, सोडियम और ईथर के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो फिर प्रोडक्ट डी ये होना चाहिए, ये प्रोडक्ट डी है, दिस इज प्रोडक्ट डी। आ गया समझ में बेटा? ये समझ में आ गया? Which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium. Give the structural formula of A and write the equation for all the reactions. तो इसका मतलब A ये वाला compound हो गया, B ये हो गया, C ये हो गया, और D ये है, ये सब नहीं होंगे, ये हो गया compound। मैंने लगभग जितने भी मेन मेन क्वेश्चन हैं वो सब करा दिए हैं,
और थोड़े बहुत अगर कन्वर्जन में रहते होंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपके आप टाइम निकाल सकते हो तो कर लेना जो नहीं कराया हुआ है मैंने। बाकी अब मैं आगे बढ़ता हूं। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे सबसे पहले तो इन्होंने वही सब कुछ जनरल बातें की हैं कि कहां कहां पे इनके यूजेस हैं, ठीक है। और एलिफैटिक एल्कोहल कौन है और एरोमेटिक एल्कोहल कौन है, ये इंट्रोडक्शन में ही इन्होंने बताया, वो खैर आगे भी डिस्कस किया है इसको। तो क्लासिफिकेशन में अब देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक का मतलब एक ओएच, डाइहाइड्रिक दो ओएच, ट्राइहाइड्रिक तीन ओएच। तो इस तरीके से एक तो क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, ये एक बात है। अब जैसे अगर आपसे बोला जाए कि ग्लूकोज, ग्लूकोज किस टाइप का एल्कोहल है बोलो, ग्लूकोज कौन से टाइप का एल्कोहल है? हाँ सही है, पेंटाहाइड्रिक है, पेंटाहाइड्रिक है, क्योंकि ग्लूकोज को अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज में पांच ओएच ग्रुप होते हैं, पांच ओएच ग्रुप ग्लूकोज में होते हैं। एक और पांच ओएच ग्रुप है इसलिए पेंटाहाइड्रिक है, पेंटाहाइड्रिक। ग्लिसरॉल क्या होता है, किस टाइप का एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल? ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल। ये ट्राइहाइड्रिक है। ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक होता है। अब यहां पे बोल रहा है कि अगर OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच है तो फिर तो हम उसको एलिफैटिक, मतलब अगर sp ये एल्कोहलिक ग्रुप जो है किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो एलिफैटिक एल्कोहल बोलोगे उसको, और अगर वो एराइल ग्रुप से अटैच है तो एरोमेटिक एल्कोहल बोलोगे। अगर एरोमेटिक एल्कोहल है तो एरोमेटिक एल्कोहल के केस में जो ओएच ग्रुप है वो एराइल